सॉरी। सो गाइस, अभी अभी मेरे बाप दादा के पैसे बर्बाद करके मैं मूवी देख के आया हूँ, गोडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये फंस गया सी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं मूवी देख के आया हूँ कार्निवाल में और 3D में देख के आया हूँ, पर वैसा एक्सपीरियंस नहीं था जैसा PVR आइनॉक्स का रहता है, और मैंने कभी उनमें मूवी देखी भी नहीं है, तो मेरे को पता भी नहीं है कि उनमें कैसा एक्सपीरियंस रहता। मैं गरीब हूँ, ये गरीब की माँ की चूत। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये मूवी देखी है कार्निवाल में, तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अब आपको मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना है, चलो मैं बताता हूँ आपको। सो कॉन्ग वर्सेस गोडजिला का दोस्तों अपना एक यूनिवर्स है उनका खुद का, जिसमें लास्ट डेट एक उनकी वेब सीरीज आई थी मोनार्क करके, और उससे पहले गोडजिला की और कॉन्ग की मूवी आई थी, आपने देखी होगी वो, तो क्योंकि अगर वो मूवी नहीं देखी आपने तो ये पिक्चर देखने का उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा गाइज, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो आप इसके कुछ पिछले पार्ट्स देख ही लीजिए। मूवी का सिनॉप्सिस सिंपल है गाइज, कि एक बंदर और छिपकली आपस में लड़ रहे हैं और आप उनको देखने के लिए थिएटर जा रहे हो, बस इतना सा इसका सिनॉप्सिस है, इतनी सी इस मूवी की स्टोरी है, और मैं ज्यादा आपको स्टोरी के मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि मूवी में स्टोरी ना के बराबर ही है। बाकी इस मूवी का मेजर जो होता है दोस्तों वो होता है VFX, क्योंकि पूरी मूवी कंप्यूटर पे जाके बनाई जाती है, और इस मूवी का VFX एक नंबर था, बेस्ट जो आपको डिजर्व कर सकते हो आप। अगर इस मूवी को आप 3D में देखोगे कहीं PVR आइनॉक्स में ना, आपको मजा ही आ जाना है। बाकी आप मूवी अगर शुरू होते ही देखोगे ना, मूवी आपको थोड़ी सी फास्ट पेस लगेगी, पता नहीं आपको लगे ना लगे, पर मेरे को मूवी थोड़ी सी फास्ट पेस लगी थी। बाकी मूवी में अगर कुछ देखने लायक है ना गाइस, तो वो इस मूवी का लास्ट का आधा घंटा, क्योंकि जो वो स्टोरी पूरी कनेक्ट करते हैं लास्ट में जाके, और जो फिर मारधाड़ होती है वो एक अलग ही फ्लेवर एक अलग ही टेस्ट प्रोवाइड करती है आपको। और अगर आपको ये मूवी देखने जाना है ना, तो आप आराम से जा सकते हो छिपकली और बंदर की लड़ाई देखने, क्योंकि उसके अलावा इस पिक्चर में और तो कुछ है नहीं। बाकी अगर सिंपल एक लाइन में मूवी को रिव्यू करें ना दोस्तों, मूवी इज एंटरटेनिंग, मूवी में ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं। बाकी आपको इस मूवी के लेके आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक कर देना यार। आप लाइक नहीं करते हो तो इसलिए चैनल को एंगेजमेंट नहीं मिलती, और एंगेजमेंट नहीं मिलती तो व्यूज नहीं आते, और व्यूज नहीं आते तो मेरा क्या होगा, जो मैं इतने फोकट के पैसे बिगाड़ रहा हूँ, इनको देखने में मैं कैसे रिकवर करूंगा। और आप जितना वीडियो को लाइक करोगे, जितना वीडियो पे कमेंट करोगे, उतना मेरा भला होगा और आपका भी शायद भला ही हो जाए आगे जाके मेरी दुआओं से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे कमेंट करें कि आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, और बाकी मेरा रिव्यू भी कैसा लगा। मेरे को पता है खराब लगा होगा, तो आप खराब भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।